सोलन पुलिस लाइन में आज मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की। बैठक में 2018 के मुकाबले 2019 में हुए दर्ज मामलों की चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में जवानों के लिए वेलफेयर से संबंधित पुलिस जवानों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों एवं सुरक्षा इंतजाम को लेकर सभी अधिकारियों को होशियारी बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी रोड मैप तैयार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि 2019 में आपराधिक मामले कम देखने को मिले। उन्होंने कहा कि 2019 में एनडीपीएस मामलों में पुलिस ने अच्छा कार्य कर नशाखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरत रही है। आज हमारी जो पिछला दिसंबर 2019 तक की क्राइम मीटिंग थी वो पेंडिंग थी, उसका आज यहाँ पे पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, जिसमें सभी थानों के SHO और कंसर्न जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे। चौकी इंचार्जेस भी इस क्राइम मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्राइम जो रिव्यू है उसका किया गया। 2019 का जो क्राइम था उसको अगर हम अभी कंपेयर कर रहे थे 18 से, तो उसमें जो हमारे नंबर ऑफ FIRs हैं उसमें ड्रॉप आई है। लगभग 60 केस हमारे जो हैं वो कम दर्ज हुए हैं, और इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल NDPS के जो हैं वो 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल 76 मुकदमे दर्ज हुए थे। उसी तरह एक्साइज एक्ट में भी हमारा जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। और इसमें जो पेंडिंग केसेस थे 2019 के या पुराने कुछ केसेस हैं उनको रिव्यू किया गया, और SHOs को उनका सीगर प्रोफेशनली डिस्पोजल के लिए आदेश दिए गए। इसके अलावा क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस का फंक्शन आ रहा है, उसको लेके सभी SO और SHOs को डायरेक्शन दी गई कि वो सजगता बरतें और जो भी नाकाबंदी है, होटल हैं, सराय हैं, उनकी चेकिंग करें। और क्योंकि अभी छुट्टियां आ रही हैं, ट्रैफिक जो टूरिस्ट सीजन है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उसको लेके भी ट्रैफिक का जो अपने अपने थाने में एक प्लान बनाएं और अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करें, ताकि पर्यटक जो भी आ रहे हैं उसको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।